दाग व अंजनी रंग शुभाशुभ वर्णन। दाग चार प्रकार के होते हैं। इनको भिन्न भिन्न रूप में नाम और दोषों के सहित कहा जा रहा है। आपको बता दें कि दाग को ही अंजनी कहते हैं, कुछ लोग इसे लहसुन भी कहते हैं। यदि घोड़े के शरीर में धूम्र वर्ण या कस्तूरी रंग का अथवा आसमानी रंग का दाग हो तो उसको लाल अंजनी कहते हैं, और अगर दाग सफेद है तो इसको श्वेत अंजनी कहा जाता है, और यदि दाग पीला है तो उसको पद्म अंजनी कहते हैं। यदि ऐसी अंजनी घोड़े के बाएं भाग में होती है तो ऐसा घोड़ा अपने मालिक का नाश करने वाला माना जाता है, ऐसे घोड़े का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और यदि घोड़े के बगल में श्वेत अंजनी हो तो उस घोड़े के मालिक की पत्नी मर जाती है, लेकिन यदि यह श्वेत अंजनी घोड़े के दाहिने अंग पर है तो उससे कोई दोष नहीं लगता। पद्म अंजनी दोष, यदि घोड़े के दाहिने या बाहिने अंग में पद्म अंजनी है तो वह एक साल के अंदर कुछ न कुछ हानि पहुंचा सकता है। यदि ऐसा घोड़ा किसी के घर में है तो वह मालिक को दुख देता है। ऐसे घोड़े के मालिक के भाई के बेटे की मृत्यु हो जाती है। ऐसे घोड़े से सुख की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि पद्म अंजनी के बीच में घोड़े के शरीर के रंग जैसा बिंदु हो तो उसको बाल अंजनी कहते हैं, ऐसा घोड़ा मालिक का नाश करने वाला होता है। लेकिन यदि घोड़ा गहरी फुलवारी और सबुजा गुलदार रंग का है तो घोड़े पर अंजनी का दोष नहीं लगता। आपको बता दें कि चाप दस्त और अर्जुन रंग के घोड़ों पर ही पद्म अंजनी का दोष लगता है। यदि घोड़े का शरीर सिर्फ एक रंग का हो तो उस पर पद्म अंजनी का असर होता है। यदि घोड़े के आगे के पांव सफेद रंग के हो तो उसको चाप दस्त समझना चाहिए, और यदि उसके पीछे के पांव सफेद रंग के हो तो उसको अर्जुन रंग का घोड़ा कहते हैं। जिसके घर में ऐसा घोड़ा होता है उसके मालिक की पत्नी रोगी होती है। इनमें प्रथम घोड़े को सितार पेशानी और दूसरे को अकरक कहा गया है। शालहोत्र के अनुसार इन दोनों को दोष युक्त घोड़ा कहा गया है। सितार पेशानी का वर्णन, जिसके माथे पर नाखून के बराबर टीका हो, सारा शरीर एक रंग का हो, सफेदी कहीं ना हो, उस घोड़े को सितार पेशानी घोड़ा समझना चाहिए। यह घोड़ा मध्यम दोष वाला होता है। जहां पर भी ऐसा घोड़ा होता है वहां पर थोड़ी चिंता की बात समझनी चाहिए। अकरब का वर्णन, जिसके माथे पर टीका हो और कहीं भी सफेदी ना हो तो ऐसा रंग वाला घोड़ा अकरब कहलाता है। शालहोत्र के अनुसार जिसके घर में भी ऐसा घोड़ा होता है तो वहां कभी शुभ नहीं होता और दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जाता है। अन्य दोष, दो और भी घोड़े हैं जिनको कसका और अधर बिंदु कहते हैं। जिस घोड़े का माथा टेढ़ा होता है और शरीर में कहीं भी सफेदी नहीं होती उसको कसका कहते हैं। ऐसा घोड़ा अकरब की तरह दोषकारी होता है। जिस घोड़े के होंठ सफेद होते हैं तो वह नाशक होता है, और यदि घोड़े के होंठ श्याम हो तो वह भी विनाशकारी होता है। या तो यह घोड़ा अपने आप मर जाएगा या फिर किसी को हानि पहुंचाएगा। यदि किसी घोड़े में उसकी नाक के अलावा कहीं भी सफेदी ना हो तो वह दोषकारक माना जाता है।